So kids, in our last class we discussed half of chapter number 3. Now in today's class we discuss the second half. In this class we discuss arrow shake and arrow flip. Last class में मैंने आपको बताया था कि arrow क्या होता है और windows क्या होती हैं, है ना? Arrow का full form भी मैंने आपको बताया था और हमने arrow के दो features पढ़े थे, arrow snap and arrow pick. उसी के आगे दो फीचर्स और होते हैं जो है एरो शेक एंड एरो फ्लिप. ये जो है वो शेक करने से विंडोज़ को क्लोज और ओपन करता है और फ्लिप फीचर्स में हम विंडोज़ को फ्लिप करके और दूसरी विंडोज़ देख सकते हैं. ये डिस्कस हम करेंगे बुक की हेल्प से डिटेल में. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स भी. ओके, तो अपनी बुक खोलिए और स्टार्ट कीजिए. सो किड्स, लास्ट क्लास में हमने स्नैप और पिक फीचर देखे थे एरो के, है ना? अब हम एरो का ही शेक फीचर देखेंगे. व्हेन योर डेस्कटॉप इज क्लटर्ड विथ ओपन विंडोज़, यू कैन यूज शेक टू सिलेक्ट अ सिंगल विंडो एंड क्लोज द रेस्ट. जस्ट क्लिक द टॉप ऑफ द पेन एंड गिव योर माउस अ शेक. क्या करना है इसमें? नेम से ही समझ में आ रहा है कि सिर्फ हमें क्या करना है, जो टॉप मोस्ट विंडो है उसे, जिस विंडो को हमें ओपन रखना है, उस विंडो के टास्क बार पे हम माउस को क्लिक करेंगे और क्लिक बटन छोड़े बिना, माउस का बटन छोड़े बिना उसे शेक करेंगे तो पर्टिकुलर विंडो ओपन रहेगी और बाकी सारी विंडोज़ के पीछे छुप जाएंगी, है ना, हाइड हो जाएंगी. मिनिमाइज विंडोज़ ऑन द डेस्कटॉप, यू कैन यूज़ शेक टू क्विक मिनिमाइज एवरी ओपन विंडो एक्सेप्ट द वन यू आर शेकिंग. सिर्फ जिसे हम शेक कर रहे हैं वो विंडो ओपन रहेगी, बाकी सारी कैसी हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी. दिस फीचर कैन सेव योर टाइम इफ़ यू वॉन्ट टू फोकस ऑन अ सिंगल विंडो विदाउट मिनिमाइजिंग ऑल द अदर ओपन विंडो वन बाय वन. इससे हमें वन बाय वन जो हम ओपन विंडोज है उसे मिनिमाइज़ करने का टाइम हमारा बच जाता है. यू कैन देन रिस्टोर ऑल ऑफ दोज विंडोज़ बाय शेकिंग द ओपन विंडो अगेन. फिर से अगर हम उसे शेक करेंगे तो सारी विंडोज़ फिर से मैक्सिमाइज हो जाएंगी. फर्स्ट स्टेप इज़ फॉर द विंडो यू वॉन्ट टू कीप ओपन, ड्रैग और शेक द टाइटल बार बैक एंड फोर्थ क्विकली. टाइटल बार को बार प्रेस करके और हमें उसे शेक करना है. टू रिस्टोर द मिनिमाइज्ड विंडो शेक द ओपन विंडो अगेन. जो ओपन की हुई विंडो है उसे फिर से शेक करेंगे तो सारी विंडोज वापस से खुल जाएंगी. तो द नेक्स्ट इज फ्लिप इफेक्ट. फ्लिप एंड फ्लिप 3D आर टू वेज टू सी प्रीव्यू ऑफ ऑल ओपन विंडोज एट वंस. फ्लिप विल डिस्प्ले प्रीव्यू इन रो एंड फ्लिप 3D विल डिस्प्ले देम एज अ स्टैक. स्विच टू स्टेप्स टू स्विच विंडोज यूजिंग फ्लिप. अब फ्लिप फीचर्स को कैसे यूज़ करना है? प्रेस एंड होल्ड द अल्टर की देन प्रेस टैब टू ओपन द फ्लिप व्यू ऑफ योर ओपन विंडो. क्या करना है? अल्टर की को दबा के और टैब की, अल्टर और टैब की को एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो विंडो है वो फ्लिप व्यू में आ जाएंगी. While still pressing the alter key, you can flip through open windows by pressing the tab key. Stop at the window you want to open and it will appear on the full screen. ये जो है ये एक फ्लिप व्यू है, इसमें सारी इस तरह से सारे जो डेस्क अपनी विंडोज़ ओपन रहती हैं वो एक लाइन में एक छोटे छोटे प्रीव्यूज़ में आ जाती हैं. जो भी विंडो हमें ओपन करना है उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो व्यू हमें मिल जाएगा. स्टेप टू स्विच विंडोज़ यूजिंग फ्लिप 3D. प्रेस कंट्रोल प्लस विंडोज लोगो की प्लस टैब. क्या है? कंट्रोल की, विंडो लोगो की और टैब को हम प्रेस करेंगे. प्रेस टैब टू मूव थ्रू द विंडोज़. यू कैन ऑल्सो प्रेस राइट एरो और डाउन एरो टू मूव फॉरवर्ड बाय वन विंडो. प्रेस लेफ्ट एरो एंड अप एरो टू मूव बैकवर्ड बाय वन विंडो. आगे पीछे जाने के लिए हम एरो की का यूज़ भी कर सकते हैं. क्लिक अ विंडो इन द स्टैक टू विंडो टू डिस्प्ले दैट विंडो. क्लिक आउटसाइड द स्टैक टू क्लोज फ्लिप 3D विदाउट स्विचिंग विंडोज. यू कैन ऑल्सो स्क्रॉल द माउस टू मूव थ्रू द ओपन विंडोज. हम 3D इफेक्ट को बंद करने के लिए जो ये पैनल है इसके बाहर जब क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा. इन दिस पिक्चर यू कैन सी फ्लिप 3D इफेक्ट. यहाँ पर सारी विंडोज वन बाय वन आफ्टर द अदर हमें शो हो रही है. जब जिस भी विंडो पे या जिस भी फोल्डर में हमें काम करना है उस पर हम क्लिक करके और उसे एनलार्ज कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ द प्रीव्यू ऑफ ऑल द ओपन विंडोज़. ये होता है फ्लिप इफेक्ट. अब वीडियो के हेल्प से फ्लिप इफेक्ट कैसे वर्क करता है वो और भी इजीली समझ पाएंगे.
Here are the question answers of chapter number 3. Name all the versions of Windows. सारे versions of Windows के हमें नाम बताने हैं. The common versions of Windows are Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, etc. Then the second question is, what is arrow feature? Arrow feature क्या होते हैं? Arrow stands for authentic, energetic, reflective and open is a visual desktop experience which combines translucent windows, appealing colors and graphic effect with the convenient functionality. Arrow effect से हमें क्या मिल जाता है? Translucent windows मिल जाती हैं, हमने देखा है. फिर appealing colors and graphic effect, और graphic effect के थ्रू हम windows को अलग अलग तरह से minimize, maximize या hide कर सकते हैं. गिव स्टेप्स टू प्रिव्यू एन ओपन विंडो. ओपन विंडो का प्रिव्यू हमें कौन से इफेक्ट से मिलता है? फ्लिप से. पॉइंट द माउस टू एन ओपन प्रोग्राम आइकॉन ऑन द टास्क बार. पॉइंट टू अ थंबनेल. क्लिक द पिक प्रिव्यू टू ओपन द विंडो. टू प्रिव्यू अ डिफरेंट विंडो, पॉइंट टू डिफरेंट थंबनेल. टू रिस्टोर अवर डेस्कटॉप व्यू और मूव द पॉइंटर अवे फ्रॉम द थंबनेल. दिस आर द स्टेप्स टू सी द ओपन विंडोज प्रिव्यू. Now in question number 4, differentiate between shake and flip. Give at least 3 differences. क्या बताना है हमें? Shake और flip में difference बताना है. और कितने difference देना है? At least 3. The first one is, used to select single window and close the rest. Shake से क्या होता है? एक window selected रहती है, बाकी सब बंद हो जाती हैं. Flip will display preview in a row. और flip क्या करता है? एक row में हमें सारी open windows का preview बताता है, छोटे छोटे icons के रूप में. The second one is, it works by shortcut window plus home key. It works by shortcut key, that is window plus tab key. Use shake to minimize every open window except the one you are shaking. सिर्फ जो हम shake कर रहे हैं वो खुली रहेगी, बाकी सारी window minimize हो जाएंगी. Flip allow you to visually flip through each of the open window. और flip के क्या allow करता है हमें? कि हम सारी windows को एक साथ एक in a row line में देख पाते हैं. Write a short note on pick. We can view our open windows on the taskbar by using pick. Pick gives us the power of X-ray vision. So we can peer all our open windows straight to the Windows 7 desktop. Pick से क्या होता है? बाकी सारी windows जो हैं वो transparent हो जाती हैं, जिससे हम सारी windows को एक साथ जो टास्क बार है उस पर हम देख सकते हैं और पर्टिकुलर विंडो को सिलेक्ट करके और उस पर वर्क कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 को हमने दो पार्ट में स्टडी किया है, उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी आपको सेंड किए हैं, आपको अच्छे से देखना है और ये सारी चीज़ें आपको अपनी बुक और कॉपी में कंप्लीट करना है. ओके, और आप जो भी वर्क करेंगे उसे आपको अच्छी हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है. थैंक यू.